कहते हैं रोज सेब खाने से सेहत दुरुस्त होती है, अच्छी भी रहती है। वैसे ये सेब खास है, अलग, क्योंकि ये फार्म पिक के सेब हैं। फार्म पिक के सेब हमारी सेहत तो सुधारते ही हैं, लेकिन इनको उगाने वाले किसानों का भी बहुत खास ख्याल रखते हैं। कैसे, ये जानने के लिए हम आपको लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश। भारत के अग्रणी इंडस्ट्रियल ग्रुप अडानी ने 2006 में भारत का सबसे पहला और विशाल कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर अडानी एग्रीफ्रेश लिमिटेड शुरू किया, जिसके लिए हिमाचल प्रदेश के रामपुर, सेंज और रोहरू में 200 करोड़ रुपए के निवेश के साथ आधुनिक सीए यूनिट शुरू किए गए। अडानी एग्रीफ्रेश लिमिटेड का 200 करोड़ रुपए का निवेश अब तक का इस क्षेत्र में सबसे बड़ा निवेश है। दरअसल इससे पहले किसानों को अपने सेब बेचने में बड़ी दिक्कतें आती थी। पहले वो खुद सेब छांटते थे, खुद ही कार्टन में जैसे तैसे पैक करते थे, उन्हें एक साथ ट्रक में लोड करके शहर की मंडी तक ले जाते थे। इन सब में कई दिन लग जाते थे और काफी मात्रा में सेब बिगड़ भी जाते थे। साथ ही पैकिंग और आने जाने का खर्च भी किसान को खुद ही उठाना पड़ता था। ऊपर से मंडी में मध्यस्थी यानी एजेंट्स के लगाए गए दाम पर ही किसानों को सेब बेचने पड़ते थे। पहले बहुत तकलीफ होती थी, हमारे सही सेब की हमें ठीक कीमत नहीं मिलती थी। इतना खर्च करने के बावजूद भी हम लोगों को आमदनी दिखाई नहीं देती थी। तो ये थी किसानों की मुश्किलें जो फार्म पिक के आने के बाद गायब होने लगी। अडानी एग्रीफ्रेश लिमिटेड के सीए यूनिट शुरू हुए हिमाचल प्रदेश में सेब के बागानों के पास, यानी कि किसान को अब मंडी तक जाना जरूरी नहीं था, सिर्फ अडानी एग्रीफ्रेश के नजदीकी सीए यूनिट तक पहुंचा देना था। फार्म पिक आने के बाद हमें मंडी तक सेब नहीं ले जाने पड़ते, इससे समय बचता है और हमारे पैसे भी। एक साथ ज्यादा सेब ले जाने की भी अब जरूरत नहीं, थोड़ा थोड़ा करके हम ले जा सकते हैं। ऊपर से हम सलामती से उन तक सेब ला सके, इसीलिए हमें ये बढ़िया कंटेनर भी कंपनी वाले ही देते हैं। जी हाँ, किसान का खर्च हुआ कम और आमदनी हुई ज्यादा। अब न कोई एजेंट है, न कमीशन है, न गलत सलत किस्म के डिस्काउंट हैं। अडानी एग्रीफ्रेश ने एक ऐसी सिस्टम तैयार की जहाँ पारदर्शिता भी रहे और किसान को पूरी पेमेंट भी मिल जाए। आइए देखते हैं ये सीए की प्रक्रिया जो है इस यूनिट की कैसे होती है। सीए स्टोर्स में आने से पहले सेब बागानों में जतन से उगाए जाते हैं। इसके लिए अडानी की ओर से खास विशेषज्ञ नियुक्त किए गए हैं जो किसानों को सेब की खेती के विषय में जरूरी ज्ञान देते हैं, उन्हें सही तरीका समझाते हैं, साथ ही सेब की खेती के लिए आवश्यक दवा वगैरह का सुझाव भी देते हैं। अच्छी क्वालिटी क्या होती है ये फार्म पिक के बाद पता चला है। कैसे अच्छे सेब उगाए जाएं, कौन सी दवा जरूरी है, ये सब हमें सिखाया जाता है। हर साल फसल बेहतर हो रही है, क्यों ना हो, फसल के लिए हम जरूरी सामान खरीद सकें। इसलिए कंपनी ने ये सेल सेंटर खोले हैं जहां अच्छी सी अच्छी चीजें वाजिब दाम में मिलती है। तमाम देखभाल के बाद जब सेब की फसल तैयार हो जाती है तो किसान उनको दिए हुए कंटेनर्स में सारे सेब अच्छी तरह पैक करके सीए सेंटर्स तक ले जाते हैं। अत्याधुनिक मशीनों से सबसे पहले
सेब की फर्मनेस और मैच्योरिटी यानी कि वो कितना पका हुआ है वो जांचा जाता है। इसके बाद सॉर्टिंग मशीन में लगे कैमरा यूनिट में हर सेब की हर एंगल से तस्वीर खींची जाती है, जिसे उनके रंग और साइज को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। हर सेब के रंग और साइज के मुताबिक उनको छांटा जाता है और एक अलग बिन में इकट्ठा किया जाता है। ये सारी प्रक्रिया बिना हैंड टच यानी कि हाथ का स्पर्श किए बगैर इन आधुनिक मशीन्स पर होती है। इस तरह सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। ये सारी प्रक्रिया किसान यूनिट में रहकर देख सके ऐसी व्यवस्था भी की गई है ताकि पूरी पारदर्शिता बनी रहे। इस प्रक्रिया के बाद सॉर्टिंग के आधार पर कंप्यूटर में ही प्रोड्यूस रिसीट तैयार होती है, जिसमें वजन, सेब की कुल संख्या और दाम जैसी हरेक जानकारी दी गई होती है। यही किसान को दी जाती है। इस तरह से किसान को पूरी संतुष्टि रहती है। हमारे सामने ही सेब को छांटा जाता है, सही दाम लगाकर पेमेंट्स मिलती है, हमेशा समय पर मिलती है, परेशानी का सवाल ही नहीं। इतना बढ़िया, अब लगता है कुछ कमाया है, आमदनी बढ़ी है, सुविधाएं बढ़ी हैं, बच्चों को अच्छी पढ़ाई दी जा सकती है और घरवाली भी खुश रहती है। जाहिर है आमदनी बढ़ी तो जिंदगी के हालात भी बेहतर हुए। कई किसानों के तो अब यहाँ बैंक अकाउंट भी है, जिसमें डायरेक्ट पेमेंट जमा करने की फैसिलिटी अदानी एग्रीफ्रेश ने उनके लिए तैयार कर दी। और बैंकिंग सेक्टर भी अब पहले से कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गया है यहाँ, और SMS के जरिए रकम जमा होने की जानकारी फौरन मिल जाती है। किसानों से लिए गए सेब सारी प्रक्रिया के बाद CA चेंबर में रखे जाते हैं। CA चेंबर यानी कि कंट्रोल्ड एटमोस्फियर स्टोर में निर्धारित टेम्परेचर पर रखे गए सेब लंबे समय तक ताजा रहते हैं। वहां से उन्हें पूरे हाइजीनिक तरीके से साफ करने के बाद ग्रेड किया जाता है। और फिर सावधानी से पैक करके रेफ्रिजरेटेड वैन्स में मार्केट के लिए भेजा जाता है। तो इस तरह आप तक पहुंचते हैं हिमाचल प्रदेश के ये खूबसूरत सेब। एक अनोखी मिठास है अवैध में। ये मिठास है किसानों की मुस्कान की, जो उन्हें फार्म पिक के आने के बाद मिली। अडानी एग्रीफ्रेश ने फार्म पिक के जरिए उन्हें सिर्फ फाइनेंशियली ही मजबूत नहीं किया, बल्कि उन्हें बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटी जैसी सुविधा भी दी है, जहां काबिल डॉक्टर्स उनके दर्द का इलाज बेहतरीन मेडिसिन के साथ करते हैं, और वो भी बिना किसी चार्ज के। एग्री फ्रेश एक ऐसा कमर्शियल वेंचर है जो देश की उन्नति के साथ साथ समाज के लिए भी बेहद फायदेमंद साबित हो रहा है। अब सेब की प्रोडक्शन यानी ग्रोथ भी बढ़ी है, डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम पहले से बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है, और वेस्टेज या बिगाड़ पहले से कई दर्जे कम है। अगर कॉरपोरेट सेक्टर और प्रशासन यानी सरकारी प्रशासन दोनों मिलकर इसी तरह काम करें तो हम सबके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। फार्म पिक किसानों के जीवन की बेहतरी के लिए शुरू हुई अडानी एग्रीफ्रेश लिमिटेड की एक पहल।